10 और डी बराबर भी है 10, ठीक है। तो ए बराबर भी 10 है, डी बराबर भी 10 है। हमें ज्ञात करना, पहले चार पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद A1 बराबर A बराबर 10, A2 बराबर A प्लस D, तो यह है 10 प्लस 10 बराबर हो गया 20, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ये 10 है प्लस 2 बोले 10, तो हो गया 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 हो गया। चार पद निकालने हैं, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 बोले 10, 10 जमा 30 कितना हो गया 40 हो गया। चार पद निकल गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये सारे आंसर हो गए। तीसरा है a बराबर माइनस 2, डी बराबर 0, तो A1 बराबर A बराबर माइनस 2, A2 बराबर A प्लस D, तो माइनस 2 प्लस 0 बराबर माइनस 2, ये भी दूसरा आ गया, ये पहला हो गया। और A3 बराबर A प्लस 2D, ये माइनस 2 है, 2 गुणे 0 है, माइनस 2 प्लस 0 बराबर माइनस 2। A4 बराबर A प्लस 3D, माइनस 2 प्लस माइनस 3 गुणे 0, माइनस 2 प्लस 0 बराबर माइनस 2, ये सारे आंसर हो गए। तीसरे को निकाल लो आप, तीसरे में A बराबर 4 है, D बराबर माइनस 3 है, A बराबर 4 है माइनस 3 है, A1 बराबर A बराबर 4, A2 बराबर A प्लस D, 4 प्लस माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब एक 3 निकाल लो, A प्लस 2D, 4 प्लस 2 गुणे माइनस 3, ये हो गया 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2, ये आपका तीसरा हो गया। A4 बराबर A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 गुणे माइनस 3, 4 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 5, ये आपका चौथा हो गया। तो ये आपके तीन पार्ट हो गए, समझ गए कि हम क्या करेंगे। सीधा बस डायरेक्ट फार्मूला, जो पद निकालने वाला सूत्र है हमारा, A प्लस 1D, 2D, 3D जो टर्म निकालना है, पहले के लिए डायरेक्ट A आ जाएगा, A2 के लिए A प्लस D आएगा, A3 के लिए A प्लस 2D आएगा, A4 के लिए A प्लस 3D है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कोई भी पद निकालना हो डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला में क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है a बराबर माइनस 1, t बराबर 1/2, a1 बराबर a बराबर माइनस 1, ये हो गया पहला, a2 बराबर a प्लस t माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2। इनके सवाल तो आपको आते ही हैं, वही तरीका लगाना है। A3 बराबर A प्लस 2D, A माइनस 1 है प्लस 2 बोले 1 बटा 2, 2 से कट गया माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ये तीसरा आ गया। चौथा A प्लस 3D,
माइनस एक प्लस तीन बटा दो एलसीएम ले लो, दो एक कम माइनस दो प्लस तीन बटा दो बराबर एक बटा दो, ये आपका हो गया, ये आपका तीस, ये आपका चौथा पार्ट था सॉरी। और पांचवा क्या है, ए बराबर 1.25 माइनस में और टी बराबर है माइनस 0.25, तो ए वन बराबर ए बराबर माइनस 1.25, ये तो आपका पहला होगा। ए टू बराबर ए प्लस टी माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25 जुड़ जाएगा 1.50, ये दूसरा हो गया। ए थ्री निकाल लो, ए प्लस टू डी माइनस 1.25 प्लस टू इंटू जीरो माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस 5.0 से हमने क्वेश्चन नंबर दो किया। और इसमें हमने क्या निकाला, तो इसमें हमने निकाला कि ए और डी दिया हुआ था, उसके चार पद छः पद जितना क्वेश्चन पूछा गया, तो हर क्वेश्चन में इसमें चार पद पूछा गया था, तो हमने चारों पद को निकाला। तो आप तो निकालना आ गया होगा बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह पसंद वीडियो आया होगा। और अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर तीन हम करने वाले हैं। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात, इसमें श्रेणी दी हुई है। और इसमें आप इसमें हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना। और देखो इसमें ए हमारा पहला पद है, ए बराबर तीन है और डी बराबर है ए टू माइनस ए वन, तो एक माइनस तीन बराबर माइनस दो। तो प्रथम पद बराबर तीन, सर्वांतर माइनस दो, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो बराबर माइनस फाइव है और टी बराबर है टी वन बराबर ए टू माइनस ए वन, ये हो गया माइनस एक माइनस माइनस पाँच माइनस एक प्लस पाँच कितना हो गया चार आ गया।
चार आ गया, तो ये आपका पहला पद हो गया। प्रथम पद बराबर माइनस पांच, सर्वांतर, सर्वांतर कितना आया चार, और ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए ए बराबर तीन है, डी बराबर है ए टू माइनस ए वन, और ये है पाँच बटा तीन माइनस एक बटा तीन, ये हो गया चार बटा तीन, पाँच में से गया कितना चार बटा तीन। तो प्रथम पद बराबर एक बटा तीन, और सार बंतर जो है चार बटा तीन, और ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं, ए बराबर जीरो दशमलव छः, बी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए दशमलव सात माइनस जीरो दशमलव छः, ए दशमलव एक है। तो प्रथम पद बराबर जीरो दशमलव छः, और सार अंतर कितना हो गया आपका, बोलो बेटा, एक दशमलव एक, ये आपका आंसर।